Good morning all of you. Today I am going to explain numericals. ये numericals की practice हम आपको करा रहे हैं. इसमें first जो है ये question हमको given है. In 3 moles of ethane. Ethane का formula C2H6 है. इसके 3 moles के लिए पूछ रहा है. Calculate the following. 3 moles ethane में हैं. Ethane के 3 moles हैं. और calculate करने के लिए पूछा है क्या number one. Number of moles of carbon atoms. 3 moles ethane में carbon के कितने moles होंगे? तो आप थोड़ा सा unitary method से चलेंगे. आप देख सकते हैं ये 1 mole जो है C2H6 का. अभी हम मान रहे हैं कि 1 mole C2H6 में carbon कितने contains हैं? 2. क्योंकि यहाँ पे carbon C2 है. तो 1 mole C2H6 में how many carbon? 2. तो आप अगर 3 moles के लिए कह रहा है तो 3 2 जा 6 तो number of moles of carbon atom in 3 moles of C2H6 तो 3 moles C2H6 में carbon कितने हो जाएंगे carbon यहां पे 2 है 1 mole में carbon 2 है तो 3 mole में carbon कितने हो जाएंगे 3 2 जा 6 ये आपने देख लिया जो आंसर है number of moles of hydrogen atoms के number of moles हमने find कर लिए हैं तो आगे देखिए C2H6 के अगर 1 मोल हम लेते हैं 1 मोल ऑफ C2H6 में हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम्स हैं 6 C2H6 है ना तो यहां पे 1 मोल C2H6 में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं 6 है अब ये 3 मोल ऑफ C2H6 के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल ऑफ C2H6 मतलब 3 × 6 यानी 18 हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के 6 हैं और 1 मोल के लिए तो 3 मोल के लिए कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 3 × 6 = 18 तो 18 हो जाएंगे फिर हम थर्ड वाला देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन थर्ड क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं इसमें इथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन अब आप जानते हैं कि 1 मोल जो इथेन है वो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन क्योंकि 1 मोल इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल इथेन जो है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा यानी 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन तो सीधा सा है 3 मोल्स के लिए हमको फाइंड करना है तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा तो 3 × जितना 1 मोल एवोगैड्रो नंबर है तो 3 × 6.022 × 10³³ तो 3 × 6 = 18 तो 18 के बाद आप पॉइंट लेते हैं लेकिन यहां हमने 24 कर दिया तो एक पॉइंट पहले ले लिया 1.8066 × 10²² मॉलिक्यूल्स हैं देखिए 1 मोल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं तो 3 मोल्स में कितने होंगे 3 × जितना हमारा एवोगैड्रो नंबर है उतने मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाएंगे तो हमने ये देखा पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं कार्बन एटम्स के लिए फिर नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम्स के लिए फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको ये कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स हमने सबसे पहले फाइंड किए थे कार्बन के यहां पे 1 मोल के लिए कार्बन के कितने एटम्स हैं 2 तो 3 मोल के लिए कितने हो जाएंगे 6 ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए अभी 1 मोल की बात कर रहे हैं 1 मोल में 6 हाइड्रोजन है तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे 3 × 6 = 18 ऐसे ही थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन इथेन के मॉलिक्यूल्स बताने हैं आपको 3 मोल्स में बताने हैं तो 1 मोल में इथेन के मॉलिक्यूल कितने होंगे जितना उसका एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10³² 1 मोल जो होता है कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के तो 3 मोल्स कितने के इक्वल हो जाएगा 3 × जितना ये एवोगैड्रो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने मॉलिक्यूल्स हमारे ये फाइंड हो जाएंगे तो इससे हमने मोल्स निकालना फाइंड करना कि किस तरीके से मोल्स फाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल्स फाइंड होते हैं इस न्यूमेरिकल में हम ये समझ चुके हैं मोल्स और मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का तरीका